इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मैच के लिए दोनों ही टीम की प्लेइंग 11, उसके अलावा पिच, टॉस, क्या कहते हैं बैटिंग ऑड्स, कौन सी टीम जीतने वाली है, उसके अलावा क्या होगी स्कोरिंग लाइन, इन सभी बातों के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हे गाइस, माय नेम इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग फॉलो द ब्लूज। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की शानदार 80 रन की जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम की नजर होगी सीरीज पे। वो दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। वही टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो पहली हार का बदला ले और सीरीज में 1-1 की बराबरी करे दूसरा मैच जीतकर। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में। ऑकलैंड का ग्राउंड ज़्यादा लंबा नहीं है, सामने और पीछे की ओर काफ़ी छोटा है, 55 से 60 किलोमीटर की बाउंड्री रहती है आगे और पीछे की ओर। इस वजह से हमें इस मैच में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पिच की तो ऑकलैंड की पिच मदद रूप होती है बल्लेबाजों के लिए। इस पिच पे अच्छी तरीके से बॉल आता है बैट पे, बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है यह पिच, बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हैं। 2018 के एक मुकाबले में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच था जिसमें दोनों ही पारी में 230 से ज़्यादा का रन खड़ा किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच चेस करते हुए जीता था। इस वजह से ये पिच बहुत ही मदद रूप है बल्लेबाजों के लिए दोनों ही इनिंग में। अगर हम बात करें टॉस के बारे में तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगा, क्योंकि बड़ा टारगेट सेट करके वो अपने अपोनेंट टीम को प्रेशर में डालना चाहते होंगे। इस वजह से जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि पिच मदद रूप होती है बल्लेबाजों के लिए। तो अब बात करते हैं दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड की टीम से। न्यूजीलैंड की टीम में हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा दूसरे टी20 मुकाबले में, क्योंकि पहले मुकाबले में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, तो न्यूजीलैंड की टीम विनिंग टीम के साथ ही उतरना चाहेंगी दूसरे मुकाबले में। इस वजह से न्यूजीलैंड की टीम में हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो टीम इंडिया में हमें 3 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहला, दिनेश कार्तिक की जगह खेलेंगे शुभमन गिल। दूसरा, कुलदीप यादव की एंट्री होगी टीम में और बाहर जाएंगे कृणाल पांड्या। अगर हम बात करें तीसरे चेंज के बारे में तो वो होगा एक फास्ट बॉलर के रूप में। सिद्धार्थ कौल को टीम इंडिया में जगह मिल सकती है, वो डेथ ओवर में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं। भुवनेश्वर कुमार या खलील अहमद, दोनों में से किसी एक को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये 3 चेंजेस है जो टीम इंडिया कर सकती है ऑकलैंड के टी20 में। तो अब बात करते हैं स्कोर लाइन के बारे में। तो हमें इस मैच में कम से कम दोनों ही टीम की ओर से 200 रन का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, ग्राउंड भी छोटा होता है। इस वजह से बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मदद रूप होता है ग्राउंड और पिच दोनों। तो हमें 200 के स्कोर लाइन देखने को मिल सकती है दोनों ही टीम की ओर से। तो अब बात करते हैं बैटिंग ऑड्स के बारे में कि कौन सी टीम के फेवर में जाता है बैटिंग ऑड्स, कौन सी टीम फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। पहले टी20 मुकाबले में बैटिंग ऑड्स फेवर कर रहे थे टीम इंडिया का, लेकिन अब पूरा चेंज आ चुका है बैटिंग ऑड्स में। अब बैटिंग ऑड्स दोनों ही टीम के लिए बराबर के हो चुके हैं। इस वजह से कहा नहीं जा सकता कि इस मैच में कौन जीत सकता है, लेकिन स्टिल अभी भी मुझे लगता है कि इस मैच में टीम इंडिया का ज़्यादा चांस है, क्योंकि टीम इंडिया वापसी करना जानती है, वो हार के बाद जीतना जानती है। इस वजह से इस मैच को टीम इंडिया का ज़्यादा चांस मुझे लगता है। तो ये थी प्रीव्यू वीडियो इंडिया और न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 मुकाबले के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इंडिया का परफॉर्मेंस किस तरीके का लगा पहले टी20 मुकाबले में। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्रिकेट के वीडियोस ऐसे ही मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।